अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बायोलेक्चुरिया। जैसे कि हमारी जो बायोलेक्चुरिया की सीरीज है, हम कंटिन्यूसली जो है वो सबके साथ कांटेक्ट में है और सब शेयर कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई डेफिशिएंसी ना रह जाए कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि पीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो दोबारा कंडक्ट किया जाएगा। जो लेक्चरर की पोस्ट थी, बहुत सारी पोस्ट हैं जिनके लिए वो जो है वो कैंसिल हो चुका है, उसको दोबारा कंडक्ट किया जाएगा। तो उसी सिलसिला को जारी रखते हुए हमने SPSC का जो टेस्ट, जो कि 19 मार्च को जो है वो कंडक्ट हुआ, उसके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वेरीफाइड आंसर कीज के साथ। और डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल है सब उन सब स्टूडेंट्स के लिए, उन सब जॉब सीकर्स के लिए जिन्होंने जो है वो PPSC का एग्ज़ाम देना है या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देना है। तो डेफिनेटली ये जो टेस्ट है आपके साथ आंसर की के साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपको बहुत हेल्प देगा कि आपने अपनी जो प्रिपरेशन है उसको किस तरह से रखना है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, किस तरह के सवाल जो हैं वो टेस्ट में आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद वीडियो है सबके लिए। आपने इस लेक्चर को, ये जो हमारा एक टेस्ट है, अपने मैक्सिमम अपने जो है सर्कल में शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलोज के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, ताकि सब जो है वो इक्वली इससे फ़ायदा उठा सके। और आपने जो है वो पेन एंड पेपर अपने पास रखने हैं ताकि आप क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर सकें, अपने आंसर्स को भी जो है वो खुद की भी असेसमेंट कर सकें कि आपका जो है वो कितना कितने जो आंसर्स थे आपको वो जो है वो करेक्ट आते थे। आप डेफिनेटली आप वन बाय वन जो है वो अपने आंसर्स को मार्क करेंगे और एट दी एंड अब आपकी अपनी सेल्फ असेसमेंट होगी कि कितने क्वेश्चन आपके जो है वो ठीक थे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। फॉर्मेट हमारा सेम है कि हम वन बाय वन क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे और मीनवाइल हम इसके आंसर की के साथ वेरीफाई भी करते जाएंगे और आप अपने स्कोर्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इनके क्वेश्चंस को ज़रूर नोट डाउन करें। डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आपके अपने पर्सनल नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। और इस वीडियो के लिंक को, आपने इस लेक्चर के लिंक को जो है वो मैक्सिमम अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ और शेयर कर रहे हैं ताकि सब जो है वो इससे फायदा उठा सकें और सबके पास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एक अनदर इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम कंपटीशन एग्जाम हेल्ड हुआ है उसके क्वेश्चन जो है वो सब तक पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्टिब्रेट आई द लाइट फर्स्ट पासिस थ्रू द, आई रिपीट द स्टेटमेंट, इन द वर्टिब्रेट आई The light first passes through the, option A iris, option B pupil, option C cornea and option D retina. Question number 2. A part of the digestive system that is not in contact with food is, a part of the digestive system that is not in contact with food is, option A small intestine, option B stomach, option C liver and option D large intestine. Question number 3. A hormone that stimulates the production of cortisol is, option A adrenaline, option B cortin, option C auxin and option D ACTH. Question number 4. The spinning of web spider is an example of, the spinning of web spider is an example of, option A an instinct, option B conditional reflex, option C trial and error learning and option D habit. Question number 5. A sequence of 3 bases on messenger RNA is called, option A transfer RNA, option B ribosomal RNA, option C a codon and option D an anticodon.
आपको क्वेश्चन जो है वो पढ़ के सुन के अंदाजा हो रहा होगा कि ये वही सब जूलॉजी की या बायोलॉजी की सब फील्ड्स हैं जिनके लेक्चर्स जिनके टेस्ट हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मोलेकुलर बायोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, या एनिमल बिहेवियर हो गया, एंडोक्राइनोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया। तो डेफिनेटली ये सब फील्ड्स हम आपके साथ बायोलॉजी चिड़िया की जो पूरी टीम है आपके साथ इसलिए टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं इन सब फील्ड्स के लेक्चर्स, ताकि क्योंकि डेफिनेटली ये जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं इन्हीं फील्ड्स में से इनके क्वेश्चन बनते हैं, और जैसे कि आप अपने सामने देख भी रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो इन्हीं सब फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं। तो बायोलॉजी के साथ कॉन्टेक्ट जो है वो कनेक्टेड रहिए, ताकि कोई भी फ्यूचर में कोई भी कंपटीशन एग्जाम आएगा तो डेफिनेटली उसकी जो प्रिपरेशन है वो हम बिफोर द टाइम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि जो मैक्सिमम जॉब सीकर्स हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। और यही बायोलॉजी का एम है कि जो सबको स्टूडेंट्स को हेल्प करना, जॉब सीकर्स को हेल्प करना, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सकें। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के जो आंसर्स हैं उनको मार्क कर लिया होगा। आंसर की से वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन है सी, कॉर्निया, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन है सी, लिवर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन है डी, ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है ए, एन इंस्टिंक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन है सी, अकोनॉन। अपने आंसर्स को साथ साथ मार्क करते जाइए ताकि एट दी एंड आपके पास जो है वो स्कोर कैलकुलेट करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 6, One way of cleaning up the environment after an oil spill is through the use of, I repeat the statement, one way of cleaning up the environment after an oil spill is through the use of, option A, bacteria, option B, algae, option C, viruses, and option D, all of these. Question number 7. All of the following are parasitic worms except, I repeat, all of the following are parasitic worms except option A, filaria, option B, leech, option C, liver fluke, and option D, ringworm. Question number 8. All of the following are primates except, all of the following are primates except option A, chimpanzee, option B, gorilla, option C, giraffe, and option D, human. Question number 9. If gastric juice is tested with a pH meter, the pH is most likely to be about option A, 2, option B, 6, option C, 7, and option D, 14. Question number 10. Blender experiment to prove DNA as genetic material was performed by, Blender experiment to prove DNA as genetic material was performed by option A, Hershey and Chase, option B, Meisel and Stahl, option C, Watson and Crick, option D, Rosalind Franklin.
आंसर की से वेरीफाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन है ए, बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं टू क्लीन ऑयल स्पिल्स. एंड क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी, रिंगवर्म, क्योंकि रिंगवर्म जो है वो पैरासाइट्स में नहीं आता, ये जो है वो वायरल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है. एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका राइट ऑप्शन है सी, जिराफ, एक्सेप्ट जिराफ ऑल आर प्राइमेट्स. एंड क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन है 2, पीएच जो है वो दैट विल बी 2. एंड क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन है ए, हर्शे एंड चेस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज, ऑप्शन ए आरएनएस, ऑप्शन बी एंडोन्यूक्लियेसेस, ऑप्शन सी आरएनए पॉलीमरेज एंड ऑप्शन डी डीएनए पॉलीमरेज. क्वेश्चन नंबर 12, टाइप ऑफ हिस्टोन्स फाउंड एसोसिएटेड विद डीएनए आर, आई रिपीट, टाइप ऑफ हिस्टोन्स फाउंड एसोसिएटेड विद डीएनए आर, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 5. क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ को एंजाइम, ऑप्शन ए लाइपेस, ऑप्शन बी सुक्रेस, ऑप्शन सी विटामिन बी 2 एंड ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 14, एक्सट्रिंसिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स आर, एक्सट्रिंसिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स आर, ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी मैसेंजर आरएनए, ऑप्शन सी हार्मोन्स एंड ऑप्शन डी एंजाइम्स. क्वेश्चन नंबर 15, विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स बिकम इनएक्टिव ड्यूरिंग ओल्ड एज, विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स बिकम इनएक्टिव ड्यूरिंग ओल्ड एज, ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी एड्रिनल एंड ऑप्शन डी पाइनियल. आई होप आपने क्वेश्चन 11 से 15 के जो आपने आंसर है उनको मार्क कर लिया होगा, क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा. आंसर कैसे वेरीफाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज सी, आरएनए पॉलीमरेज. एंड क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन है डी, 5 हिस्टोन्स आर एसोसिएटेड विद डीएनए. क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है सी, विटामिन बी 2. एंड क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन है डी, एंजाइम्स. एंड क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन है बी, थाइमस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16, टू
or more species occupying identical or overlapping areas are known as, I repeat, two or more species occupying identical or overlapping areas are known as, option A, sympatric, option B, subspecies, option C, allopatric, option D, sibling species. Question number 17. Of the following disease, the one is caused by a worm. Option A, sickle cell. Option A, sickle cell anemia. Option B, Klinefelter syndrome. Option C, ringworm. And option D, trichinosis. Question number 18. Which of the following is called a flower animal? I repeat, which of the following is called a flower animal? Option A, jellyfish. Option B, hydra. Option C, abelia. And option D, sea anemone. Question number 19. The taste organs in insects are called, option A, taste buds. Option B, taste filaments. Option C, taste hairs. And option D, taste organs. Question number 20. Which of the following is not carbohydrate? Option A, glycogen. Option B, hemoglobin. Option C, deoxyribose. And option D, cellulose. आपको अभी तक के क्वेश्चंस पढ़ के सुन के अंदाजा हो रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो बायोलेक्चुरिया की असेसमेंट में जो लेक्चर्स के बाद आपसे कंडक्ट किए गए थे उन्हीं से बिलोंग करते हैं, उन्हीं में से हैं। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट, जाहिर सी बात है, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं तो उनमें हमारे जितने भी असेसमेंट टेस्ट है बायोलेक्चुरिया की पूरी टीम की एफर्ट होती है कि वो उनमें जो क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं और जो फ्रिक्वेंटली आ सकते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में वही आपसे शेयर किए गए हैं। तो अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के अंदाजा भी हो रहा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बल्कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो असेसमेंट टेस्ट में से हैं। आंसर कैसे वेरीफाई करते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन है ए, सिंपेट्रिक। एंड क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन है डी, ट्राइकिनियोसिस। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन है डी, सी एनीमोन। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन है ए, टेस्ट बर्ड्स। एंड क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है बी, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 21, अ मेजर डिफरेंस between marine and freshwater animal lies in, a major difference between marine and freshwater animals lies in option A, color form. Option B, productivity capacity. Option C, toxicity of body fluids. And option D, mode of locomotion. Question number 22.
Which of the cells contain large amount of oxygen carrier protein hemoglobin? Which of the cells contain large amount of oxygen carrier protein hemoglobin? Option A, macrophages. Option B, leukocytes. Option C, erythrocytes. And option D, neutrophils. Question number 23. Kissing bugs act as the transmitting agent of option A, sleeping sickness, option B, Chagas disease, option C, Kala Azar, and option D, Oriental sore. Question number 24. Cockroaches are option A, herbivorous, option B, carnivorous, option C, omnivorous, and option D, none of these. Question number 25. Which is not a larvae of sponge? Option A, amphiblastula. Option B, stomogastrula. Option C, sterogastrula. And option D, planula. Answer kaise verify karte hain? Question number 21, correct option is C, toxicity of body fluids. And question number 22, correct option is C, erythrocytes. Question number 23, correct option is B, Chagas disease. 24, correct option is C, omnivorous. And 25, correct option is D, planula. Question number 26. Mature sperms are stored in option A, seminiferous tubule. Option B, vas deferens. Option C, epididymis. And option D, seminal vesicles. Question number 27. The phenomena of fertilization was first perceived by option A, Weismann, option B, Leeuwenhoek, option C, Robert Hooke, and option D, Hertwig. Question number 28. Mulberry silkworm is option A, Anthria miletia, option B, Bombyx mori, option C, Attacus atlas, and option D, none of these. Question number 29. Breathing rate of man is lowest while option A, eating, option B, resting, option C, playing, and option D, delivering. Question number 30. A semi-indispensable amino acid for human consumption is option A, arginine, option B, valine, option C, lysine, and option D, leucine. I hope aapne question number 26 se 30 ke apne answers ko jo hai wo mark kar liya hoga.
आंसर की से वेरीफाई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज सी एपिडिडिमिस, एंड 27 का राइट ऑप्शन है डी हर्टविक, 28 का राइट ऑप्शन है बी बॉम्बेक्स मोरी, एंड क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन है बी रस्टिंग, एंड 30 का राइट ऑप्शन है ए आर्जिनी. क्वेश्चन नंबर 31 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लैकिंग इन, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी एम्ब्रियोनिक सेल, ऑप्शन सी ओवा, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 32 द ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल ऑफ एन इंडिविजुअल शोज दैट इट इज, ऑप्शन ए प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी लोअर ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन सी हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 33 न्यूरल ग्लैंड इज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन found in, option A melanoglossus, option B herdmania, option C amphioxus, and option D all of these. Question number 34. These all extinct forms from Mesozoic to Cretaceous with the exception of, option A Ichthyosaurus, option B Plesiosaurus, option C Protosaurus, and option D Trismegistus. Question number 35. Deficiency of ascorbic acid cause, option A anemia, and option B plagira, option C hemorrhage, and option D scurvy. Answer ki se verify karte hain. क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी ऑल ऑफ दीज, 32 का राइट ऑप्शन है ए प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, 33 का राइट ऑप्शन है बी हर्डमेनिया, 34 का राइट ऑप्शन है सी क्राइजमिस, and 35 correct option D scurvy. Question number 36. Egg type in amphioxus is, egg type in amphioxus is option A alacetal, option B microlacetal, option C macrolacetal, option D neolacetal. Question number 37. When two male pronuclei unit with a female pronucleus is termed as, when two male pronuclei unite with the female pronucleus is termed as, option A polyandry, option B polygamy, option C gynogenesis, and option D none of these.
क्वेश्चन नंबर 38, एग्स इन क्यूलेक्स मॉस्किटो आर, ऑप्शन ए सिगार शेप्ड, ऑप्शन बी एलोंगेटेड, ऑप्शन सी बोर्ड शेप्ड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 39, टर्माइट्स बिलोंग्स टू, ऑप्शन ए हेमनियोप्टेरा, ऑप्शन बी आइसोप्टेरा, ऑप्शन सी ऑर्थोप्टेरा एंड ऑप्शन डी लेपियोप्टेरा। क्वेश्चन नंबर 40, पेप्सिन इज डैश एंजाइम यूज्ड इन डाइजेशन, रिपीट, पेप्सिन डैश एन एंजाइम यूज्ड इन डाइजेशन, ऑप्शन ए डैट, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी ऑफ एंड ऑप्शन डी बीइंग। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 के जो है वो आंसर की से वेरीफाई करते हैं आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन है बी माइक्रोलेसिथल। 37 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए पॉलीएंड्रेट। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट ऑप्शन है ए सिगार शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट ऑप्शन है ए हेमनियोप्टेरा एंड क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन है बी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, डैश अ फ्यू ऑफ द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट्स कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन, डैश अ फ्यू ऑफ द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय इंसेक्ट्स कैन बी हर्ड बाय अ ह्यूमन, ऑप्शन ए ओनली, ऑप्शन बी देयर आर ओनली, ऑप्शन सी दैट ओनली एंड ऑप्शन डी विद ओनली। क्वेश्चन नंबर 42, नो वन नोज व्हाट कलर्स डायनासोर वर, डैश नो सैंपल ऑफ देयर स्किन हैज सर्वाइव्ड। I repeat, no one knows what colors dinosaurs were, dash, no sample of their skin has survived. Option A, because of. Option B, because that. Option C, it is because. And option D, because. Question number 43, dash was caused by breathing impure air was once a common belief. Option A, malaria. Option B, that malaria. Option C, why malaria. And option D, because malaria. Question number 44. A suspicious looking man had been seen in the dash of the bank shortly before it was robbed yesterday. A suspicious looking man had been seen in the dash of the bank shortly before it was robbed yesterday. Option A, clearance. Option B, vicinity. Option C, faculty. And option D, hindrance. Question number 45. The headquarters of Food and Agricultural Organization, FAO, of the United Nations is in. Option A, Paris, France.
ऑप्शन बी न्यूयॉर्क यूएस, ऑप्शन सी रोम इटली, एंड ऑप्शन डी चाइना शंघाई। क्वेश्चन नंबर 41 से 45 के जो आंसर्स हैं उनको आंसर की से चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन है ए ओनली, 42 का राइट ऑप्शन है डी बिकॉज, 43 का राइट ऑप्शन है बी डैट मलेरिया, एंड क्वेश्चन नंबर 44 का राइट ऑप्शन है बी विसिनिटी, एंड 45 का राइट ऑप्शन है सी रोम इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी नागा पर्वत, ऑप्शन सी एवरेस्ट, एंड ऑप्शन डी सियाचिन। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन इज द सिटी ऑफ कैनाल्स, ऑप्शन ए वीनस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी आयरलैंड, एंड ऑप्शन डी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 48, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन एरिया, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी कनाडा, एंड ऑप्शन डी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 49, मलबरी सिल्क वर्म इज, मलबरी सिल्क वर्म इज ऑप्शन ए फ्लेम सेल, ऑप्शन बी रेनेट सेल, ऑप्शन सी मैल्फीशियन ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन डी नेफ्रिडिया। क्वेश्चन नंबर 50, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज, ऑप्शन ए कैप्रा फेल्कोनेरी, ऑप्शन बी मार्कोर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। आंसर की से वेरीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट ऑप्शन है सी एवरेस्ट, 47 का राइट ऑप्शन है ए वीनस, एंड 48 का राइट ऑप्शन है बी रशिया, 49 का राइट ऑप्शन है बी रनिट सेल, एंड क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन है सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि वो सी का साइंटिफिक नेम है। इसके साथ ही हमारा ये जो टेस्ट है ये खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ। अपने टेस्ट के लिंक को मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कुलीग सर्कल में शेयर करना है, ताकि सब तक जो है वो SPSC के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो पेपर में आ चुके हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं, वो सब तक पहुंच जाएं, और सबको जो है वो PPSC की एग्जाम के लिए जो है वो एक डेफिनेटली गाइडलाइन मिलेगी। इसी तरह आपने बायोलेक्चुरिया के साथ कनेक्टेड रहना है, ताकि आप तक जो है वो मजीद स्टेप बाय स्टेप अपडेट्स जो है वो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ PPSC एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनी अदर एग्जाम जो कि आपने देने हैं अपनी जॉब के लिए, अपने एडमिशन के लिए, आप तक जो है उसकी अपडेट्स पहुंचती दें, आपकी प्रेपरेशन के लिए जो है वो भरपूर तरीके से गाइडलाइंस जो है वो आप तक पहुंचे। सो स्टे कनेक्टेड विद बायोलेक्चुरिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड कीप वॉचिंग बायोलेक्चुरिया। अल्लाह हाफिज़।